वहीं कपड़ा व्यापारियों को 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट से काफी उम्मीदें हैं। कपड़ा व्यापारी चाहते हैं कि कपड़े पर टैक्स स्लैब में 5% और धागे पर मौजूदा टैक्स स्लैब को 12% कम किया जाए। राजस्थान के भीलवाड़ा में कपड़ा व्यापारी भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे उद्योग को बढ़ने में मदद मिलेगी। कपड़ा फैक्ट्रियों की तकनीक को अपग्रेड करने के लिए केंद्र ने कपड़ा और जूट उद्योगों के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम शुरू की थी। अगर जीएसटी में जो प्रेजेंट में 5% टैक्स जो कपड़े पर लगता है और 12% जो यान पर लगता है उसको उसमें कोई कमी की जा सके, जिससे कि जो कपड़े की कॉस्टिंग है वो कम हो सके और उसका फायदा उपभोक्ताओं को पड़ सके और उसकी सेल में व्यापारियों की सेल बढ़ सके, जिससे कि जो टैक्स की रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें बढ़ोतरी हो सके। दूसरा, जो टेक्सटाइल पार्क जो पहले प्रस्तावित था, अगर वो भीलवाड़ा को दे दिया जाए, जिससे कि उससे संबंधित जो भी उद्योग हैं वो भीलवाड़ा में स्थापित हो सके, उसके उस कारण से जो रोजगार जो भीलवाड़ा वासियों को मिलेगा उसमें बढ़ोतरी हो सके, तथा अगर ये उद्योग अगर ये टेक्सटाइल पार्क दे दिया जाएगा तो जिससे जो रेवेन्यू बढ़ेगी गवर्नमेंट की, जैसे जीएसटी है, इनकम टैक्स है, तो उससे काफी गवर्नमेंट का फायदा होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम केंद्रीय सरकार से बजट में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक तो ड्यूटी ड्रॉबैक बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे चाइना वगैरह से बिकॉज ऑफ हाई रेट्स। इंडिया में सब कुछ कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सेकंड, हम लेबर इश्यू जो फेस कर रहे हैं उसके लिए हम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनिशिएटिव ले नेक्स्ट बजट में, जिससे स्किल लेबर इजीली अवेलेबल हो। और तीसरा, ये इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी जो कि भीलवाड़ा को आज बहुत ही ज़रूरत है, बिकॉज जैसे हम दूसरी स्टेट्स में हम देख रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी की वजह से हम कम्पीट